दोस्तों वीवो अपनी वाई सीरीज में वीवो वाई 73 2021 इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। 10 जून को यह स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया जाने वाला है 8GB 128GB। तो इसकी प्राइस 20,990 रुपए रखने में आने वाली है। तो इस प्राइस पॉइंट पे हमें ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं, या अदर ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस डिवाइस के बिल्ड एंड डिजाइन की बात की जाए तो दिखने में स्मार्टफोन काफी जबरदस्त रहेगा। रियर साइड में एजे मैट ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। फ्रंट साइड में स्कॉट एक्सटेंशन का सपोर्ट है। प्लास्टिक के फ्रेम दिए गए हैं, बट वेट 170 ग्राम है और 7.39 mm स्लीक है। बट फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। स्मार्टफोन आपको हाथ में लेके ज्यादा भारी फील नहीं होगा, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। इस स्मार्टफोन की हाईलाइट है इसका कैमरा, क्योंकि इसमें रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का f1.9 एपेचर के साथ मेन कैमरा दिया गया है। साथ में आई ऑटो फोकस का सपोर्ट दिया गया है। बाकी के दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के लगा दिए गए हैं। 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर। सेल्फी कैमरा की अगर बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच सेल्फी दिया गया है f2.0 के एपेचर के साथ। 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक G90 ये प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाने वाला है। ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और अगर जीपीयू की बात की जाए तो माली G76 का जीपीयू इसमें दिया गया है। कहीं लैग और स्टेटर आपको महसूस नहीं होगा। और अगर इस स्मार्टफोन के अंतुतु स्कोर की बात की जाए तो 2,20,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आता है। अगर आप ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आप अदर स्मार्टफोन के साथ जाइए, क्योंकि ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए में 40fps की ही गेमिंग करवा दे रहा है। रैम रोम की अगर बात की जाए तो इसमें LPDDR4X की रैम दी गई है और साथ में UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम रोम वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा 8GB 128GB और साथ में 3GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट दिया जाएगा। उससे आपकी रैम 11GB तक एक्सटेंड हो सकती है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर बात की जाए तो इसमें फनटच OS 11.1 और एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें 6.44 इंचेस का एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। इसमें E3 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 60Hz का ही रिफ्रेश रेट है और 600 nits का पीक ब्राइटनेस है। अगर बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात की जाए तो इसमें 4000mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। स्मार्टफोन 30 मिनट में 64% चार्ज हो। अगर आप स्मार्टफोन में हीवी यूज करते हो तो आपको स्मार्टफोन दिन में 2 बार चार्ज करना होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, उससे बैटरी ज्यादा कंज्यूम करे। अगर ऑडियो की अगर बात की जाए तो इसमें सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है। अगर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5, वाईफाई 5, ड्यूल 4G वोल्टी, 4G प्लस का सपोर्ट मिलता है। अगर सिम स्लॉट की बात की जाए तो इसमें ट्रिपल सिम स्लॉट दिया गया है। अगर सेंसर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें सभी सेंसर आते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास, फेस अनलॉक का फीचर। इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, साथ ही में 3.5mm जैक और टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है। अगर ये स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन के 2 कलर वेरिएंट इंडिया मार्केट में लॉन्च होंगे, रोमान ब्लैक और डायमंड फ्लेयर। इस स्मार्टफोन की कंफर्म प्राइस 20,990 रुपए देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हो तो 18 से 19 हज़ार के आसपास ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। प्राइस को कंसीडर करते हुए हमें इसमें 60Hz की जगह 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता तो बहुत बढ़िया होता। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले की जगह अगर पंचुअल होता तो और बेहतर होता। सिंगल स्पीकर की जगह अगर ड्यूल स्पीकर होता तो काफी बढ़िया होता। 4000mAh बैटरी की जगह 4.5mAh बैटरी होती तो बेहतर रहता, क्योंकि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर का बेस्ट प्रोसेसर, बैटरी एफिशिएंसी काफी कम मिलेगी। और रियर साइड में 2-2 मेगापिक्सल की जगह 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देते तो बहुत बेहतर रहता। अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में काफी प्रीमियम हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दे और कैमराज उसके अच्छे हो तो आप इस स्मार्टफोन के पास देख सकते हैं। गेमिंग के लिए या हेवी यूज के लिए आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर ना करें, अदर ऑप्शन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड